आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर रायपुरा बजरंग धाम प्रांगण में सुबह 8 बजे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उपखंड रायपुरा के संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला की सुरक्षा, सम्मान और उनकी शिक्षा जैसी समस्त गतिविधियों के बारे में जागरूकता करने हेतु शपथ ली गई। इस मौके पर शिक्षक हरिशंकर जोशी, शिक्षक पुष्पेंद्र अग्रवाल, शिक्षक संतोष पहाड़, कैलाश सेन, शशिकांत साकेत, मुकेश सोनी, छोटू रजक, रंजन यादव, सुखेंद्र सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां सभी क्रियाएं फलीभूत होती हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है वही वहां सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। हम जब भाई किसी देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर देवियों का नाम पहले लेते हैं। यह हमारी संस्कृति की परंपरा है। और भी माताओं बहनों के सम्मान के लिए जैसे बुद्धि की दात्री सरस्वती हैं, गणेश जी भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से सरस्वती जी की पूजा की जाती है। धन के संवाहक बुद्धि, धन के संवाहक लक्ष्मी जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं, तो लक्ष्मी जी की प्रधानता रूप से पूजा की जाती है। हम सभी माताओं बहनों का सम्मान करें, उन्हें प्रगति के समान अवसर उपलब्ध। पहले मैं उस नारी शक्ति को नमन करता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और मैं ये कहना चाहूँगा अपने घर में सभी माता बहनों का सम्मान करें और सबसे पहले अपनी नारी का खुद सम्मान करें, जिससे कि प्रकृति का रास्ता और मार्ग आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं वो हमारे घर के सभी परिवार को देखती हैं और प्रकृति का मार्ग को वही आगे बढ़ाती हैं। उनको कभी किसी प्रकार की बाधा ना आने दें, और सबसे पहली बात ये है कि उनको अपने बच्चों को, अपने घर में बहनों को और अपने पड़ोस की बहनों को, माताओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब रायपुर से कैलाश सिंह की रिपोर्ट।